आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम का एक टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में आरटीई से संबंधित जो कुछ प्रश्न आए हुए हैं उनको देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये शुरुआत करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित एचएम एग्जाम 2012 में आरटी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रथमतः निर्माण किया गया उनका शीर्षक रखा गया निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2012, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009। तो इसका दूसरा आंसर है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011, राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद RCEE राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रमुख होंगे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक या कमिश्नर, राज्य के मुख्य सचिव, आरंभिक शिक्षा के निदेशक डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसका आंसर होगा दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक और कमिश्नर हैं वो RCEE प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान से संबंधित निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है, शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, शैक्षिक संस्थाओं का प्रशासन, छात्रवृत्ति प्रदत्त करना, अस्त्र प्रशिक्षण प्रदान करना। आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट इसलिए कर दिया कि इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन था उसमें यह था कि कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है और हिंदी में लिखा हुआ था कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो क्वेश्चन की भाषा विरोधाभासी होने की वजह से इसको आरपीसी ने डिलीट कर दिया। वास्तव में ये क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, इंग्लिश वर्जन वाला सही था लेकिन विरोधाभास होने से डिलीट कर दिया। और कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसका आंसर होता अस्त्र प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का गठन किया जाता है जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे, SMC की में कौन शामिल नहीं होगा, SMC के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं होगा, विद्यालय का एक शिक्षक, क्षेत्र का BEO, विद्यालय का प्रधानाध्यापक, स्थानीय निकाय का चुना हुआ एक सदस्य। तो इसमें क्षेत्र का BEO है वह सम्मिलित नहीं होगा, SMC में क्षेत्र का BEO शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम के प्रावधानानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक है, इनमें से एक ऐसी सूचना है जो अनावश्यक है उसकी पहचान करें, कक्षावार नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बैंक खातों के अभिलेख। तो इसका चौथा आंसर है वो नहीं है, वो सही होगा, विद्यालय विकास योजना में बैंक खातों के अभिलेख की जरूरत नहीं है, बाकी तीनों की जरूरत है। अब आगे है आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2013 जो 12 जुलाई 2014 को हुई थी उसमें आरटी से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। तो 45 घंटे हैं उसमें शिक्षण और तैयारी के शामिल हैं, 45 घंटे इसका आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में प्रवेशित विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है 20%, 50%, 60%, 75%।
आरपीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, क्योंकि एसएमसी में सदस्य कुल सदस्य होते हैं 16 है, और विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावक की न्यूनतम सदस्य संख्या है 11। 16 में से 11 अर्थात लगभग 68% होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आरपीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, एसएमसी का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक या स्थानीय प्राधिकारी वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, शिक्षा मंत्री, स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव या वार्ड में जहां स्कूल स्थित है। तो इसका उत्तर होगा शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री है वो एसएमसी का अध्यक्ष, वो सॉरी एसएमसी का सदस्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह है भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। पहले राज्यसभा में पारित हुआ था, फिर लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के उपरांत यह अधिनियम अधिनियमित हो गया भारत की संसद द्वारा। आगे है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2015 जो कि 17 जुलाई 2016 को हुई थी, उसमें आरटीई से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के बारे में सत्य नहीं है? नहीं है, इस तरह के जैसे नहीं है, इस तरह के वर्ड हैं उनको क्वेश्चन में भी अंडरलाइन कर लेना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ नहीं है, कौन सा कथन एसएमसी के बारे में सत्य नहीं है? विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। तो एसएमसी का कार्य अध्यापक प्रशिक्षण की योजना का कार्य एसएमसी का नहीं है, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये इसका उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला है, शाला प्रबंध समिति एसएमसी की मासिक बैठक होती है द्वितीय शनिवार को, चौथे शनिवार को, पूर्णिमा को, अमावस्या को। तो एसएमसी की मीटिंग होती है, मासिक बैठक होती है अमावस्या को, इस दिन छुट्टी रहती है और अभिभावक स्कूल में आ सकें इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित हैं, 35 शिक्षण व तैयारी के घंटे, 40 शिक्षण व तैयारी के घंटे, 45 शिक्षण के घंटे, 45 शिक्षण व तैयारी के घंटे। तो 45 घंटे होते हैं उसमें शिक्षण और तैयारी की दोनों के शामिल हैं, तो इसका आंसर चौथा होगा, 45 शिक्षण और तैयारी के घंटे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 फर्स्ट के तहत राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था है, राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एसआईईआरटी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, एसआईईआरटी, राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था एसआईईआरटी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। तो इसकी टेबल है, मैं आगे बताऊंगा, उसमें बताया हुआ है 200 छात्रों तक 5 शिक्षक होंगे और एक प्रधानाध्यापक होगा, तो कुल 6 शिक्षक हो गए, इसका आंसर होगा तीसरा, कुल 6 शिक्षक। आगे है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2011 जो कि मार्च 12 में हुई थी, उसमें आरटीसी का प्रश्न आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु, बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, क्योंकि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व निर्देश थे उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था।
इसका आंसर है दूसरा, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया। यह पेपर है HM 2018 का, HM एग्जाम 2018 में RTE के क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए, 20%, 25%, 30%, 40%। तो इसका आंसर होगा 25%। 25% सीटें निजी और विशिष्ट शालाओं में पहली कक्षा में बच्चों के लिए आरक्षित हैं RTE 2009 के अनुसार। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? 7 से 14 वर्ष, 0 से 14 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष। तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, वह आयु वर्ग 6 से 14 आयु वर्ग है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, जो कि इनमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है। RPC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है। पूर्व प्राथमिक, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 8। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा सम्मिलित है, इसका चौथा उत्तर होगा। अब हम RTE के प्रश्नों के बाद RTE का थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, जिसमें जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आए हैं उन बिंदुओं को पहले देखते हैं। ये अनुसूची 1 है, अनुसूची 1, उसमें विद्यालय के लिए मान और मानक, कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक कक्षा में शिक्षकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या 60 विद्यार्थियों तक 2 शिक्षक होंगे, 30:1। 61 से 90 तक विद्यार्थियों की संख्या 61 से 90 होने पर शिक्षक होंगे 3, 91 से 120 पर 4, 121 से 200 तक 5। ये क्वेश्चन आया था वहाँ, अभी थोड़ी देर पहले अपने देखा था कि 200 बच्चे होंगे वहाँ शिक्षक कितने होंगे, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखने योग्य बात थी कि 150 बालकों से ऊपर होते ही एक प्रधानाध्यापक होगा, और 200 से अधिक बालक होने पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 हो जाएगा। अभी पहले 30:1 है, लेकिन बालकों की संख्या अगर 200 से ऊपर जाती है तो ये अनुपात 1:40 हो जाएगा। तो 200 बालकों तक 5 शिक्षक होंगे और एक प्रधानाध्यापक भी होगा। अध्यापक के लिए प्रतिदिन शिक्षण के घंटे 4 घंटे, अध्यापक के प्रति सप्ताह शिक्षण के घंटे, तैयारी के घंटों को शामिल करते हुए 45 घंटे। ये भी प्रश्न आया हुआ था। कक्षा के लिए कार्य दिवस 200 कार्य दिवस और प्रति अकादमिक वर्ष शिक्षण के घंटे 800 शिक्षण घंटे, प्रतिदिन के घंटे हो गए 4 घंटे, 200 कार्य दिवस के हिसाब से हो गए 800 शिक्षण के घंटे। प्रति सप्ताह में तैयारी के घंटों को शामिल करेंगे तो 45 घंटे, सप्ताह में 6 दिन होते हैं, 6 दिन का 4 घंटे के हिसाब से 24 घंटे होते हैं, बाकी के शेष बचे हुए तैयारी के हैं। आगे कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर, शिक्षकों की संख्या प्रत्येक 35 बालकों पर एक शिक्षक, उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1, 100 से अधिक बालक होते ही एक प्रधानाध्यापक। प्राथमिक स्तर में 150 बालकों से ऊपर होने पर एक प्रधानाध्यापक है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 बालकों से अधिक होते ही एक प्रधानाध्यापक। विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा के लिए कम से कम 3, प्रत्येक के लिए एक शिक्षक होने ही चाहिए, इनके लिए कंपलसरी है, विज्ञान और गणित के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए और भाषा के लिए। अध्यापक के प्रतिदिन शिक्षण घंटे 4.5 घंटे, प्राथमिक में थे 4 घंटे, प्राथमिक में थे 4 घंटे, यहाँ हैं 4.5 घंटे। अध्यापक के प्रति सप्ताह शिक्षण के घंटे तैयारी के घंटों को शामिल करते हुए 45 घंटे, प्राथमिक में भी 45 घंटे ही थे। कक्षा के लिए कार्य दिवस 220 घंटे,
प्राथमिक में 200 कार्य दिवस थे, यहाँ में कार्य दिवस आएगा, ये गलत लिख दिया, 220 कार्य दिवस। प्रति अकादमिक वर्ष शिक्षण के घंटे 1000 घंटे, 4.5 को 220 से गुणा करेंगे तो लगभग 1000 के लगभग होंगे, तो 1000 शिक्षण घंटे होंगे, 220 कार्य दिवस। अब आगे आरटी की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आरटी का एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति, जहाँ से खूब खूब प्रश्न आए हैं, इसका हम थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति, यहाँ समिति है, कमेटी है। जून 2016 में एसएमसी के संविधान और कर्तव्यों को संशोधित किया गया। संशोधित नवीन संविधान और कर्तव्य के साथ एसएमसी का प्रारूप इस प्रकार है, पहले जो भी था, लेकिन उसमें जून 2016 में जो चेंजेज हो गए हैं, उन चेंजेज के बाद में अपडेटेड एसएमसी इस प्रकार है। समिति का नाम होगा विद्यालय प्रबंधन समिति, और उसके बाद में राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय, और विद्यालय का नाम, समिति का कार्यालय, विद्यालय का जैसे हो गया विद्यालय प्रबंधन समिति, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामजी का गोल, समिति का कार्यालय का नाम हो जाएगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामजी का गोल, विद्यालय का पूरा नाम है वो समिति का कार्यालय होगा। समिति का कार्य क्षेत्र, समिति के कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थान तक, उसका कार्य क्षेत्र है उस स्कूल में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थान तक है, परंतु विकास कार्य केवल विद्यालय परिसर, विद्यालय से संबंधित खेल मैदान एवं विद्यालय से संबंधित संपत्तियों में ही कराए जाएंगे। उसका कार्य क्षेत्र तो विद्यार्थियों के निवास स्थानों तक रहेगा, लेकिन उसका विकास कार्य है वो विद्यालय परिसर में होंगे, या विद्यालय का खेल मैदान है वहाँ, या विद्यालय की जो संपत्ति है वहीं कराए जाएंगे। अब है समिति के उद्देश्य, एसएमसी है जो समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उस समिति के उद्देश्य, उद्देश्य क्या क्या हैं? विद्यालय की क्रियाकलापों कार्यकरण को मॉनिटर करना, विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण स्वीकृति एवं विकास कोष बनाना। विद्यालय विकास योजना कौन बनाता है? एसएमसी बनाती है, उसका निर्माण करती है, स्वीकृति करती है, और विद्यालय कोष बनाना, विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना, राज्य सरकार की जन सहभागिता आधारित योजनाओं से संस्था विकास कोष के योगदान के आधार पर विकास कार्य करवाना तथा निगरानी रखना, विभाग से प्राप्त एसएफजी, एसएमजी, टीएलएम एवं अन्य ग्रांट्स का विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपयोग सुनिश्चित करना। आगे है एसएमसी की साधारण सभा के सदस्य, विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी या बालक के माता पिता या संरक्षक, एसएमसी की साधारण सभा के सदस्य, विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी या बालक के माता पिता या संरक्षक साधारण सभा के सदस्य होंगे। संबंधित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या प्रबोधक है वो भी साधारण सभा का सदस्य होगा। समिति के कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच, ये भी साधारण सभा के सदस्य होंगे। एसएमसी समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित मनोनीत सदस्य, ये इसमें एसएमसी में दो हैं, दो तरह के हैं, एक साधारण सभा है, एक कार्यकारिणी समिति है। साधारण सभा में से ही कार्यकारिणी समिति चुनी जाती है, तो कार्यकारिणी समिति में जो निर्वाचित या मनोनीत सदस्य हैं वो साधारण सभा के सदस्य होंगे। साधारण सभा, उपरोक्त सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। जो कार्यकारिणी की समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव हैं वही साधारण सभा के होंगे। सदस्यों द्वारा चंदा व शुल्क, चंदा अनिवार्य नहीं है, स्वेच्छा से दे सकेंगे। ऐसे जो सदस्य हैं उनको को लिए चंदा अनिवार्य नहीं है, स्वेच्छा से देना चाहें तो दे सकते हैं। साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकेगी।
सदस्यता की समाप्ति, मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर, निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर, विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर, उसके माता पिता या संरक्षक की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर। साधारण सभा की बैठक, प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक वर्ष में 3 बैठकें अर्थात 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य है। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है। बैठक का कोरम साधारण सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 25%। बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व देनी होगी। अत्यावश्यक बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन पश्चात उसी स्थान और समय पर आयोजित की जाएगी। स्थगित बैठक में अब कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। नोट, साधारण सभा में निर्णय प्रथमतः सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। सर्वसम्मति से निर्णय नहीं होने पर निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। अब है एसएमसी की कार्यकारिणी समिति, साधारण सभा के बाद में है। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति, समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी। साधारण सभा में से ही यह कार्यकारिणी समिति चुनी जाती है। इन 16 सदस्यों में न्यूनतम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। न्यूनतम 3/4। इन 16 सदस्यों में 50% महिलाएं होंगी अर्थात कम से कम 8 महिलाएं होनी चाहिए। इन 16 सदस्यों में माता पिता या संरक्षक निर्वाचित सदस्य होंगे 11, पदेन सदस्य या मनोनीत सदस्य होंगे 5। 11 और 5 16। 16 सदस्यों में माता पिता और संरक्षक हो गए 11 और पदेन सदस्य और या मनोनीत सदस्य हो गए 5। ये जो माता पिता और संरक्षक जो 11 सदस्य निर्वाचित होंगे, इन 11 सदस्यों में कम से कम 6 महिलाएं होनी चाहिए तथा एक सदस्य SC, एक सदस्य ST का होगा। नोट, निर्वाचन कार्यकारिणी की समिति में माता पिता या संरक्षक सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। विस्तृत रूप एक बार पुनः देख लेते हैं। टोटल 16 सदस्य, कम से कम 8 महिलाएं होनी चाहिए 16 में से। इन 16 में से निर्वाचित सदस्य हैं 11 और 5 हैं पदेन और मनोनीत सदस्य। इन 11 में साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से निर्वाचित 11 सदस्य होंगे, जिनमें से कम 6 महिलाएं, एक SC और एक ST हो। 5 पदेन या मनोनीत सदस्य हैं, उनमें एक सदस्य पदेन सदस्य सचिव, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठतम अध्यापक होगा सचिव। एक पदेन सदस्य जिस वार्ड में विद्यालय है उस वार्ड का वार्ड पंच या पार्षद। एक निर्वाचित अध्यापक, विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका, अध्यापिका नहीं हो तो अध्यापक। 2 मनोनीत सदस्य, MLA द्वारा नामित व्यक्ति, जिनमें एक महिला हो तथा एक माता पिता या संरक्षक से हो। अध्यक्ष, निर्वाचित 11 सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। उपाध्यक्ष, निर्वाचित 11 सदस्यों सदस्य अपने में से ही किसी एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। सदस्य सचिव, प्रधानाध्यापक होगा या वरिष्ठतम अध्यापक होगा HM न हो तो। अध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष है उसके क्या 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 कार्य हैं। साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना, बैठ के आहूत करना तथा समिति का प्रतिनिधित्व करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, कैशियर के माध्यम से लेखे संधारित करना, समिति द्वारा निर्देशित अन्य सभी कार्य करना। सदस्य सचिव के कार्य, सचिव बैठक के कार्य बिंदु एजेंडा तैयार करना, बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, बैठक की कार्यवाही रजिस्टर तैयार करना तथा रिकॉर्ड रखना, समिति के वित्त संबंधी सभी आंकड़े तैयार करना, अधिकृत मामलों में समिति की ओर से हस्ताक्षर करना, विद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रिकॉर्ड, संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक एवं अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा उस समय तक रहेगा जिस समय तक वे समिति में निर्वाचित मनोनीत सदस्य रहेंगे, जो भी कम हो। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल है 2 वर्ष।
अथवा उस समय तक रहेगा जिस समय तक वे समिति के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य रहेंगे। इन दोनों में जो भी कम होगा वो रहेगा। कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह अमावस्या को, यह प्रश्न आया था कार्यकारिणी समिति की बैठक कब होती है, अमावस्या को होती है। अमावस्या के दिन अवकाश रहने पर अगले कार्य दिवस को, अगर मान लीजिए कि अमावस्या के दिन रविवार की छुट्टी आ गई या और कोई छुट्टी आ गई तो कार्यकारिणी समिति की बैठक उससे अगले वर्किंग डे कार्य दिवस को होगी। सदस्य सचिव कम से कम 4 दिन पूर्व बैठक की लिखित सूचना देगा प्लस बैठक में विचारार्थ रखे जाने वाले बिंदुओं की सूची भी सभी सदस्यों को भेजेगा। अत्यावश्यक बैठक कम से कम 2 दिन की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। एसएमसी के गठन संचालन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए बीईओ एवं बीओ द्वारा रेफर किए जाने किए गए प्रकरणों पर डीओ प्रारंभिक शिक्षा निर्णय देगा। डीओ प्रारंभिक शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा। कार्यकारिणी समिति का कोरम 1/3 से अधिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। सदस्यता की समाप्ति पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष अथवा संबंधित सदस्यों के कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने तक ही होगा। दोनों में जो भी कम है वो रहेगा। यदि सदस्य समिति की 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहे तो भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्य की संतान उस विद्यालय के विद्यार्थी न रहे। सदस्य समिति के किसी मुद्दे पर भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एसएमसी के कोष विकास कोष एवं परिचालन कोष। विकास कोष में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि आती है और परिचालन कोष में चंदा इत्यादि से प्राप्त राशि आती है। उपरोक्त दोनों कोष की एक ही रोकड़ में संदर्भ उपरोक्त दोनों कोष को एक ही रोकड़ में पंजिका में संधारित करना है तथा एसएमसी के नाम से खाता बैंक में खुलवाना होगा। खाते का संचालन अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। कार्यालय पत्र व्यवहार समिति के समस्त कार्यालय पत्र व्यवहार पर सदस्य सचिव हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य उपलिक कर्तव्य परिशिष्ट 1 यह पूछ सकता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी है, उसके कार्य और कर्तव्य हैं वो किस परिशिष्ट में है, तो परिशिष्ट 1 में है। कौन कौन से कार्य हैं? विद्यालय के क्रियाकलापों कार्यकरण को मॉनिटर करना, एमडीएम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगी, विद्यालय की आय और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करेगी, बाल अधिकारों के हनन संबंधी प्रकरणों को स्थानीय प्राधिकारी के ध्यान में लाएगी, विद्यालय के आस पड़ोस में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाना तथा उनकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना, अभिभावकों एवं अध्यापकों की समय समय पर संयुक्त बैठक आयोजित करना। आगे है अगला कार्य है विद्यालय के विकास हेतु विद्यालय विकास योजना तैयार करना। एसएमसी का प्रथम बार गठन होने के उपरांत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 3 माह पूर्व तक एक विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। यह एक 3 वर्षीय योजना होगी जो अगले 3 वर्ष की 3 वार्षिक योजनाओं को मिलाकर बनाई जाएगी। विद्यालय विकास योजना में निम्न जानकारियां शामिल की जाएंगी। प्रत्येक वर्ष का कक्षावार अनुमानित नामांकन, ये प्रश्न आया भी था आरपीसी की एक एग्जाम में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में पहले जिक्र भी किया था कि विद्यालय विकास योजना में निम्न में से कौन सी जानकारी शामिल नहीं है, तो ये जानकारियां शामिल की जाएंगी। प्रत्येक वर्ष का कक्षावार अनुमानित नामांकन, 3 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए पृथक पृथक अतिरिक्त अध्यापकों, विषय अध्यापकों एवं अंशकालिक अध्यापकों की आवश्यकता, 3 वर्ष के लिए अतिरिक्त भौतिक संसाधनों एवं उपकरणों की आवश्यकता, 3 वर्ष के लिए अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। उपरोक्त आधारों पर तैयार की गई विद्यालय विकास योजना पर अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर हों प्लस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अगला कार्य है समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी संस्था या निकाय अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपयोग को मॉनिटर करना, परिचालन कोष में आय और व्यय का जायजा लेना, विभाग द्वारा जारी SFG, SMG, TLM इत्यादि ग्रांट को विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार उपयोग सुनिश्चित करना,
ऐसे अन्य कृत्य का पालन करना जो विहित किए गए हों। एसएमसी स्वयं के आर्थिक स्रोतों से अपने स्तर पर आवश्यकता अनुसार स्थानीय अध्यापक या सहायक की सेवाएं हेतु पूर्णतया अस्थायी व्यवस्था कर सकती है। अब एक स्पीडली रिवीजन प्रश्न उत्तर के माध्यम से। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A में। आरटी के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होगा 1:30। आरटी 2009 के तहत शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे होंगे 45 घंटे। आरटी 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस हैं। प्राथमिक स्तर पर 800 शैक्षणिक घंटे हैं और 200 कार्य दिवस हैं। आरटी में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को रखा गया है? 6 से 14 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को रखा गया है। आरटी 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन परिवारों के लिए आरक्षित हैं? 25%। ये एचएम 2018 में ये प्रश्न आया भी है। आरटी को लोकसभा में कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009 को। एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? विद्यार्थी का अभिभावक। आरटी राज्यसभा में कब पारित हुआ? 20 जुलाई 2009 को। आरटी को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? 26 अगस्त 2009 को। राज्यसभा में पारित हुआ 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 26 अगस्त 2009 को। भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पेच 1854 को। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु उच्च प्राथमिक स्तर हेतु शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए 1:35। प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हों तो क्या प्रावधान है? 150 से 200 बच्चों पर एक प्रधानाध्यापक होगा और 5 शिक्षक होंगे। 150 नोट 150 बच्चों पर 1:30 के हिसाब से 5 शिक्षक तो होंगे ही, साथ ही 150 बच्चों से अधिक पर प्रधानाध्यापक भी नियुक्त होगा। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक नियुक्त होगा? 100 से अधिक बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक नियुक्त होगा। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात होगा 40:1। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 में छात्र संख्या 200 से अधिक हो गई तो छात्र अनुपात होगा 40:1। आरटी के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे और 220 कार्य दिवस हैं। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हों तो कितने अध्यापक होंगे? बच्चे 200 से ज्यादा होंगे तो अनुपात रहेगा 40:1, अतः शिक्षक होंगे 6। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना होगा, 200 दिन तो 800 घंटे हो गए। आरटी 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? प्रतिदिन 4.5 घंटे, 220 दिन तो 990 घंटे पढ़ाना होगा। सिलेबस में दिया हुआ है 1000 घंटे, जो 990 घंटे होते हैं, जो 1000 घंटे के लगभग हैं। आरटीई की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? धारा 17। आरटीई 2009 के आधिकारिक नाम ऑफिशियल नेम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। आरटी 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी विद्यालय होगा? 3 वर्ष के लिए। नोट, कक्षा 1 से 5 तक की विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय 3 किलोमीटर के अंदर। ठीक, 6, 7, 8 तीन कक्षाएं हैं तो 3 किलोमीटर के अंदर सरकारी स्कूल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक 9 साल के बच्चे को आरटी के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? नोट, तो 6 से 14 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग को आरटी में शामिल किया जाता है। 6 वर्ष के बच्चे को पहली क्लास, 7 वर्ष के बच्चे को दूसरी क्लास, 8 वर्ष के बच्चे को तीसरी क्लास और 9 वर्ष के बच्चे को चौथी क्लास। कक्षा 4 में प्रवेश दिया जाएगा, आयु के अनुसार प्रवेश धारा 4 में दिया हुआ है। 6 वर्ष के बच्चे को पहली क्लास में प्रवेश दिया जाएगा, यह है याद रखना। 6 से 14 आयु वर्ग तो 6 वर्ष के बच्चे को पहली क्लास में।
आरटी 2009 की क्रियान्वयन के बाद अब कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं, आयु के अनुसार अधिक विसमझाती हैं। तो इसका आंसर होगा आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं, क्योंकि जितनी बच्चे की आयु उसी के अनुसार उसकी कक्षा। आरटी 2009 में अनुसूची अध्याय व धाराएं कितनी हैं? अनुसूची एक है, कुल अध्याय 7 हैं और कुल धाराएं हैं 38। आरटी 2009 में किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का प्रावधान है? धारा 21 के अंतर्गत शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, धारा 28 में ये ऐसा लिखा हुआ है। आरटी 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, अध्यापकों के प्रशिक्षण को सुविधा प्रदान करना, विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय। तो इसका आंसर होगा पहला, 14 वर्ष की पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। आरटी में सिर्फ 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर ही ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न है, छात्र शिक्षक अनुपात में क्या प्रधानाध्यापक शामिल होगा? नहीं। आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, घर पर पढ़ाना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों पर, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, विशेष विद्यालय में। तो इसका आंसर होगा तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके। अगला प्रश्न है, आरटी 2009 की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? धारा 24। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 विद्यार्थी हैं, आरटी 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध होंगे? 61 से 90 तक 3 शिक्षक होते हैं, तो यहाँ शिक्षक होंगे 3, विद्यार्थी 62 हैं, 61 से 90 तक 3 होंगे। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे आरटी 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो 45 घंटे दिए गए हैं, दूसरा उत्तर होगा। भारत सरकार ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया, भारत सरकार ने 2009 में लागू किया। आरटी एक्ट को लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? 135वां देश है। आरटी एक्ट के अंतर्गत व्यय का वितरण केंद्र एवं राज्य में किस अनुपात में होगा? तो ये है 55 और 45, केंद्र का 55 और राज्य का 45। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई क्वेरीज या सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स थैंक्स।